हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चलन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट की साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 7। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस की एज में हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, और हमारा मेंटल हेल्थ जो है बहुत बढ़िया डेवलप्ड होता है। तो इस फेजेस में हमको क्या चाहिए होगा, हमें बहुत अच्छा और प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाए। एडोलेशन टू बी केयरफुली प्लान्ड, यानी कि आप केयरफुली प्लान्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे, एक बैलेंस डाइट से। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके जो खाना है, ठीक है, उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, ठीक है, ये सारे के सारे एक अच्छे प्रोपोर्शन में होंगे। ये सारे के सारे कितने, एक अच्छे प्रोपोर्शन में हों। ठीक है, हमारे इंडियन खाने में और इंडियन मिल्क के पास क्या है, रोटी है, राइस है, दाल है, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स है। ये क्या है, एक बैलेंस्ड मील है। क्या है, ये बैलेंस्ड मील है। मिल्क खुद में क्या है, एक बैलेंस्ड फूड है। जो दूध है हमारे पास में, मिल्क है, वो खुद में ही एक क्या है, एक बैलेंस्ड फूड है। ठीक है, अब फ्रूट भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रूट भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों में क्या है, मदर्स का, माँ का जो दूध होता है वो सारा का सारा नरिशमेंट दे देता है। जो बच्चों में जो माँ का दूध होता है वो सारा का सारा नरिशमेंट क्या दे देता है, हमको दे देता है। ठीक है, यानी कि हमें बैलेंस डाइट में क्या चाहिए, हमारे पास प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, वो भी कैसे, एक प्रॉपर मात्रा में। ये नहीं कि हम ढेर सारा विटामिन खा रहे हैं और प्रोटीन तो ले ही नहीं रहे, या फिर हम ढेर सारा प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे। तो हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन एक बैलेंस मात्रा में। ठीक है, हमारे इंडियन खाने में कौन कौन सी होती है, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, ये सारा सारा क्या है, एक बैलेंस डाइट है। ठीक है, मिल्क खुद में एक क्या है, बैलेंस डाइट है। यानी कि दूध पियो ना, तो वो एक अपने आप में क्या है, एक बैलेंस डाइट है। ठीक है, फ्रूट हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, माँ के दूध से मिल रहा है, वही सारा का सारा न्यूट्रिशन उनमें दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है आयरन कहाँ से मिल रहा है, आयरन हमारे पास ब्लड में मिल रहा है। ठीक है, वो कहाँ से मिल रहा है, हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स है, यानी कि साग सब्जियों से, जो साग वाली सब्जियाँ होती है ना, उसमें से क्या मिल रहा है, हमको आयरन मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है, जैगरी मतलब गुड़ से। ठीक है, मीट से हमें मिल रहा है। ठीक है, सिट्रस से, यानी कि खट्टे, जो मतलब नींबू हो गया या खट्टी जितने भी चीज़ें हैं उनसे मिल रहा है। और किससे मिल रहा है, अमला से मिल रहा है, इंडियन गूसबेरी कहते हैं अमला को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एडोलेसेंस एज में। क्या क्या, लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, गूसबेरी, और क्या, ठीक है, इतना सारी चीज़ें। क्या मिल रहा है इनसे, आयरन मिल रहा है। क्या मिल रहा है इनसे, आयरन मिल रहा है। ठीक है, आप सोचते हो कि जो हम चिप्स खाते हैं, चिप्स वगैरह ये सब खाते हैं, ये सब क्या है, ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमें उतने न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हमारी युवा जो है आजकल यही सारी चीज़ों को खा खा के काफ़ी मतलब परेशान हो जा रही है। अब उनमें लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। चिप्स एंड पैक्ड टिन स्नैक दो इवन वेरी टेस्टी, टेस्टी तो होते हैं, लेकिन वो अपने प्रॉपर मील को नहीं रिप्लेस कर सकते। ठीक है, आपके प्रॉपर मील को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें उतनी सारी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक ग्राफ, एक एक्टिविटी है कि ये सारे चार्ट हैं, ये कॉम्पिटिशन है, ये आपका मीट हो गया, वेजिटेबल, एग। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। पर्सनल हाइजीन में आ जाता है कि आप अपने बॉडी की काफ़ी सफाई करें, अपने आसपास की सफाई करें, ताकि आपको बीमारियां ना हो। कभी कभी क्या होता है कि पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो स्मेल करने लगते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है, आपको नहा लेना है। ठीक है, ये सब तो आप जानते हो। क्या है, टीनेजर बिकॉज देयर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक देम स्मेल, यानी कि जो टीनेज होते हैं कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी एक्टिविटी होती रहती है। आप खेलने चले गए, ठीक है, कहीं अपने दोस्त के पास चले गए, तो क्या आने जाने में खाली पसीना निकला, वो पसीना क्या करता है, स्मेल करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है कि आपको साफ रखना है खुद को, ताकि आपको क्या ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, क्या ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। आपको क्या करना है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना है। ये लड़कियों के बारे में क्या है, दे शुड कीप देयर ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपको मतलब पता रहना चाहिए कि किस डे में या किस तारीख को हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, किस डे पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करके रखें, जैसे कि आपके पास क्या होता है, पैड हो गया, ये वगैरह हो गया। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन, क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है, और
पैड को चेंज करते रहिए हमेशा, कितना, 4 से 5 घंटे पर एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे ही आपके रिक्वायरमेंट होगी वैसे 4-5 घंटे में उसको आप बदलते रहिए, ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अब फिजिकल एक्सरसाइज पे आते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एज में। ठीक है, आपको रोज़ क्या करना चाहिए कि रोज़ खेलना चाहिए, बॉडी फिट करना चाहिए, आपको वॉक लेना चाहिए। ठीक है, आउटडोर गेम खेलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे तो आप रोज़ खेल सकते हो टाइम निकाल के इस एज में। ठीक है, ये है मिथ्स जो कि हमें करने हैं कि नहीं करने। आपने बहुत सारी मिथ्स जो आपने देखे होंगे। ठीक है, ए गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये क्या है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक लड़की अगर उसका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो लड़के को देखने के बाद प्रेग्नेंट हो, ये कैसा बात हुई। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा अनएथिकल है। ठीक है, मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, ये तो हमने आपको बताया, ये बहुत बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मदर के पास सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि फादर के पास ही एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको हमने क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे कहते हैं अगर उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो लड़की को घर किचन में जाके खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारे टैबूज हैं, इसको हमको क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये सब भी होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। से नो टू ड्रग्स, अब क्या होता है कि ये एडोलेसेंस की एज होती है, ये ऐसी एज होती है, यहाँ पे क्या आता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड होने की वजह से आप क्या करते हो कि बहुत सारी चीज़ों का सहारा नहीं लगते हो, जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब चीज़ों की तरफ आप भागते हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ और आपके हैप्पीनेस को बिगाड़ रहा है, आपके हेल्थ और आपके हैप्पीनेस को बिगाड़ रहा है। ऐसे जब आपकी ऐसी हालत हो जाए तो आपको अपने पापा से या आपके पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से या अपने एल्डर से बात करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, उस ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। ठीक है, कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए। आप देख रहे हो कि कई सारे लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है वो क्या होता है, कई सारे लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन को एड्स हुआ है तो आपको भी एड्स हो सकता है। ठीक है, कैसे, जो सिरिंज आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। अब क्या हो रहा है कि जब आप एक माँ को एड्स हुआ है और वो अपने बच्चे को क्या कर रही है, क्या कर रही है, मिल्क पिला रही है। ठीक है, तो वो भी बच्चा भी क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद वायरस। अगर किसी पर्सन को एच आई वी है, अगर उसके साथ वो क्या कर रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे भी इनको क्या हो जा रहा है, एच आई वी या एड्स जो भी है हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब ये एक लास्ट टॉपिक है, एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। ठीक है, कि हमारे जो इंडिया है इसमें क्या है कि 18 साल जो है लड़कियों की एज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शादी की एज है कि यहाँ पे लीगली आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा दिस इज बिकॉज टीनेजर मदर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है जो लड़की है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, ताकि वो क्या कर सके, मदरहुड में आ सके। ठीक है, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स, और लड़के की एज कितनी हो जाइए, 20 ईयर्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। ठीक है, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस उम्र से पहले या फिर 18, 19 या 17 की एज में अगर शादी कर दी जाती है तो क्या हो जाता है कि जो लड़की है उसका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन मदर एंड द चाइल्ड। अब जब वो क्या नाम है, आप मान लो 17 की उम्र में प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो ना तो उसका बच्चा ठीक तरीके से न्यूट्रिशन पा रहा है, ना ही माँ ही क्या पा रही है, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन पा रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्या होता है कि चाइल्ड और मदर दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इट आल्सो कर्टेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग वुमन एंड मे कॉज मेंटल एग्नी एज शी इज नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। कभी कभी क्या होता है, जो यंग वुमन होती है उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन उनकी शादी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो मदरहुड में आ जाती है, बच्चे की देखभाल करने में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका मेंटली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस रहने लगती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए,
एडोलेसेंस जो एज है, ये जो 18 ईयर की एज है, इससे पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं करना चाहती है। मेरा पर्सनली मानना है कि आप तो 19 या 20 से पहले किसी लड़की की शादी ना करिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप करते हो, से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स हमें लेना ही नहीं है। क्या ड्रग्स हमें लेना ही नहीं है? ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।